व्याकरण के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी, जिसमें आपके स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे आ आ ई ई ऊ ऊ ऋषि ए ए ओ ओ अं और बड़ा। स्वर जो हमारे स्वर होते हैं वो हमारे 13 होते हैं। और जैसे ये आ, इसको स्वर में बोला जाता है, जैसे आ ई स्वर में बोलेंगे तो हम ई, ऊ स्वर में बोलेंगे तो ऊ, ए स्वर में बोलेंगे तो ए, ओ ओ आ, ये हमारे स्वर के हिसाब से हो रहे हैं, इसलिए हमारे ये सारे स्वर हैं। अभी आपको मैंने स्वर बताया, अब इसके बाद हम बताएंगे व्यंजन। व्यंजन हमारे जो होते हैं वो होते क ख ग घ र, च छ ज झ र, टा ठा ढा ढा र, ता थ द ध न, पा फ ब भ म, य र ल व श, श स ह श ज्ञ त्र क्य। ओके, ये हमारे स्वर और ये हमारे व्यंजन। ये जो हमारे व्यंजन होते हैं ना, वैसे हम ज्यादातर इन्हीं को लेते हैं। ये जो हमारे ड वाले शब्द है ना, ये हमारे बहुत कम यूज में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे जो स्वर हैं, वैसे जैसे हम पहले पढ़ते थे आ बड़ा आ ई बड़ी, ऐसे नहीं है, सिर्फ आ सुर के हिसाब से हमारा बड़ा आ, ई सुर के हिसाब से हमारा ई, ऊ फिर ऊ, सुर और आना हमारा सुर के साथ ही वर्ड बड़े होते जा रहे हैं ना, इसलिए हमारे ये स्वर हैं और ये हमारे व्यंजन। मैंने आपको अभी स्वर और व्यंजन के बारे में बताया था। अब इसके आगे आते हैं हमारे शब्द। शब्द में क्या होता है, सिंपल, ज ल जल, ध न धन, व ल